गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी सर में। आज 18 दिसंबर और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। फार्मासिस्ट के 2020 पदों पर होगी भर्ती, एजेंसी बदली, भर्ती स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जिम्मे। नेक्स्ट है, 1.35 लाख नौकरियाँ दी, 1.20 लाख प्रक्रिया में, 1 लाख और देंगे गहलोत। मॉडल स्टेट राजस्थान, 3 साल में प्रति व्यक्ति आय में 26.81% की बढ़ोतरी। सामाजिक विज्ञान में एक पद के लिए 263 दावेदार, अंग्रेजी में 51 में जंग। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 से निर्धारित समय से आधा घंटे पहले हो जाएगा केंद्र पर प्रवेश बंद। 21 से 27 दिसंबर को होगी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन से विषय में कितने फॉर्म है वो भरे गए हैं। महंगी मेडिकल शिक्षा, 5 साल में 51,000 से 1.5 लाख तक पहुंची फीस। फीस ज्यादा, प्रदेश के शीर्ष सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं ले रहे छात्र, जबकि राष्ट्रीय रैंकिंग में नए एम्स से आगे हैं एसएमएस कॉलेज। पुराने अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नए प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश राजस्थान हाईकोर्ट। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 से जुड़ा मामला। राज्य विशेष शाखा में कर्नल बॉय के पदों पर साक्षात्कार स्थगित। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 दस्तावेजों का सत्यापन हो कोर्ट। कैरिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर यूजी प्रोग्राम्स होगा जारी। ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए मिलेंगे 7 साल, पढ़ाई के दौरान छात्रों को ब्रेक भी मिलेगा। दूरस्थ शिक्षा के स्टूडेंट्स भी हो पाएंगे रेगुलर, स्ट्रीम बदलने का मिलेगा मौका। 19 दिन पहले शुरुआत, 1.50 लाख बच्चों के लिए न यूनिफॉर्म का कपड़ा आया और न ही बजट। कछुए से भी धीमी सरकार की चाल, शिक्षा विभाग में 29 नवंबर को आनंद फानंद में हर ब्लॉक में 10-10 यूनिफॉर्म भेज करवाया था उद्घाटन, फिर नहीं आया कपड़ा। प्रदेश के 28 जिलों में यूनिफॉर्म के लिए कपड़े का हो चुका है वितरण, ड्रेस के सैंपल की जांच रिपोर्ट भी नहीं आई। हाउसिंग बोर्ड 258 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। परीक्षा के लिए एजेंसी का किया हायर। 23 लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए देश भर में क्लेट आज। डीएलएड काउंसलिंग नहीं, 90,000 का प्रवेश अटका। खुली खाली 13 सीटों के लिए ऑनलाइन मॉपअप राउंड, इसमें फुल हुई ऑल इंडिया की 22 सीटें, स्टेट की 1 सीट अभी भी खाली। नीट यूजी काउंसलिंग, स्टेट की 2 सीटों में से 1 ज्वाइनिंग, दस्तावेज जमा नहीं कराने पर छात्र को नोटिस। 110 स्कूलों को घोषित करना था आदर्श विद्यालय, अंतिम तारीख तक विभाग 35 स्कूलों की रिपोर्ट ही कर पाया अपडेट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समस्त विश्वविद्यालयों को जारी की नई गाइडलाइन, महिलाओं के लिए शोध की अधिकतम अवधि 10 साल। ग्रुप ए के प्रवेश पत्र अपलोड, ग्रुप बी के आज। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया ताकि आपको डेली अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। IIT कानपुर में कनिष्ठ अभियंता सहित 131 पदों पर भर्ती, 50,000 से 1 लाख होगी सैलरी। बाकी आप अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षकों के 48,000 पदों पर निकली भर्ती, परीक्षा फरवरी में होगी। पशुपालन और डेयरी विभाग हरियाणा में बंपर भर्तियां। दोस्तों ये थी आज की अपडेट और आज का अच्छा सा सुविचार, जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं, जिंदगी को तुम मिले हो। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।